एस्मा जैसे कानून को समाप्त करने तथा 5 सितंबर को रोडवेज के चक्का जाम के दौरान गिरफ्तार कर्मियों को रिहा करवाने सहित उनको बहाल करने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने जन संगठन साझा मोर्चा के बैनर तले आज काला दिवस मनाया। साझा मोर्चा ने शहर में प्रदर्शन करते हुए सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। पत्रकारों से बात करते हुए मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि सरकार ने एस्मा जैसा कानून लगाकर उनकी बोलने की आजादी पर रोक लगा दी और दूसरा आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर दमनकारी कदम उठाया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार प्रदेश से एस्मा जैसे कानून को समाप्त करे और 5 सितंबर की हड़ताल के दौरान प्रदेश भर से गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों को तुरंत रिहा करे और उन्हें उनकी ड्यूटी पर बहाल किया जाए। 5 तारीख की जो हमारी राज्य लेवल की जो हरियाणा रोडवेज को बचाने के लिए जो स्ट्राइक की कॉल दी गई थी, उसके अंदर हरियाणा सरकार ने काले कानून के रूप में कर्मचारियों पर एस्पा के रूप में जो काला कानून पेश किया और हमारे कर्मचारियों को बर्खास्त किया और यहाँ लाठीचार्ज करे गिरफ्तारियाँ करवाई, उसके विरोध में हमारी स्टेट कमेटी ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उनके शीर्ष नेताओं ने यह फैसला लिया था कि हम सभी विपक्ष के नेताओं को विधानसभा जो सत्र शुरू हो रहा है उसके लिए ज्ञापन देंगे, विधानसभा में आवाज़ उठाने के लिए, और 10 तारीख का दिन है वो राज्य परिवहन के अंदर एक काले दिन के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 5 तारीख को जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके कर्मचारियों को हरासमेंट किया गया, गिरफ्तार करके जेलों में ठोका गया और इनके ऊपर अनचाही धाराएं लगाकर मुकदमे दर्ज किए, हमने उसके विरोध के रूप में आज का दिन मनाया। जिस तरह गेट मीटिंग करके सभी कर्मचारियों जो सरकार की नीतियां हैं उनके बारे में अवगत करवाया और जनता को हम अवगत कराना चाहते हैं भाई, जो प्राइवेट बन से सरकार लेना चाह रही है वो ना तो कर्मचारी हित में और ना ही हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में, और जो सुविधाएं राज्य परिवहन हरियाणा की जनता छात्र छात्राओं को दे रही है वो किसी भी सूरत में आने वाली गाड़ियाँ नहीं दे सकती। और ऐसा जनता के सामने रक्षाबंधन के दिन कितनी प्राइवेट गाड़ियाँ चली बिना जरूरत ब्रेक डाउन कर दी गई और सरकार को इस चीज़ की जानकारी होने के बावजूद राज्य परिवहन के कर्मचारियों राज्य परिवहन को दबाने की कोशिश करके और निजी लालच में अब प्राइवेट को बढ़ावा दे रही है, हम इसके विरोध करें, इसी के विरोध स्वरूप यह आज का दिन मनाया प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार सरकार के दमनकारी कदम के विरोध में जन संगठन साझा मोर्चा आगामी 17 व 18 सितंबर को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर पड़ाव भी कर। जानकारी के अनुसार सरकार के दमनकारी कदम के विरोध में जन संगठन साझा मोर्चा आगामी 17 व 18 सितंबर को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर पड़ाव भी डालेगा। हिंद एक्सप्रेस के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा की रिपोर्ट। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा।